हेलो दोस्तों दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी दुनिया 2.0 में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऋतिक रोशन की आने वाली एक ज़बरदस्त मूवी जिसका नाम है विक्रम बेदा। मेरे दोस्त रीमेक मूवी है लेकिन मेरे दोस्त बॉलीवुड आजकल रीमेक ही बना रहा है। तकरीबन बहुत सारी फिल्में आप लोग को रीमेक ही देखने को मिली है लेकिन मेरे दोस्त इसका कोई फायदा होता ही नहीं। बस बॉलीवुड ये सोचता है कि हाँ कुछ पैसे कमा लें, अपना नाम बनाना नहीं चाहता, पहचान बनाना नहीं चाहता, बस सोचता है कि कुछ पैसे कमा लें। तो मेरे दोस्त इससे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ का जो नाम है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है एकदम से देसी ठर्रा के माफिक। जैसे देसी ठर्रा चलता है ना वैसे ही इसका नाम ही बर्बाद हो चुका है। मेरे दोस्त ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है ये सिर्फ अब नाम की रह गई है, इसमें कोई दम ही नहीं रह गया क्योंकि साउथ की इतनी ज़बरदस्त मूवीज आ रही हैं जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। जो इतनी ज़बरदस्त बॉलीवुड साउथ और तेलुगु मूवीज आ रही हैं वो देखेगा कोई या फिर इनकी जो फनी रीमेक मूवीज है वो देखेगा। सो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं विक्रम बेदा मूवी की जो मेरे दोस्त ऋतिक रोशन आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे और इसका बजट क्लियर नहीं किया गया है क्योंकि ये मूवी रीमेक है और डायरेक्टर भी शायद से मैं इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है जिनके डायरेक्शन में बनाई गई थी विक्रम बेदा मूवी वो भी ये मूवी भी उनके डायरेक्शन में बनाई जा रही है। सो मेरे दोस्त उनका क्या राय है, मतलब क्या बात है उनकी, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आता कि क्यों आखिर क्यों है पैसे बर्बाद करें। क्योंकि मेरे दोस्त वो मूवी आप लोगों को देखने को तो मिल ही जाएगी सारे OTT प्लेटफॉर्म पे, YouTube पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फुल HD में विक्रम बेदा। मेरे दोस्त इस मूवी में जो ये ऋतिक रोशन की मूवी है इसमें आप लोगों को ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे और विलन के रूप में ऋतिक रोशन ही दिखाई देने वाले हैं विक्रम के रूप में। और मेरे दोस्त जो इनके विपरीत आएंगे जो हीरो के रोल निभाएंगे, यानी कि हीरो तो वही होते हैं लास्ट में वही हीरो होंगे, लेकिन मेरे दोस्त जो पुलिस का रोल निभाएंगे इनको पकड़ेंगे जो गैंगस्टर ऋतिक रोशन होंगे इनको संभालने के लिए कोई पुलिस वाला तो चाहिए ही चाहिए। और उसके किरदार निभाते हुए आप लोग को दिखाई देने वाले हैं सैफ अली खान जो शायद उतने खतरनाक कैरेक्टर तो माने नहीं जाएंगे लेकिन माने जाएंगे मेरे दोस्त क्योंकि बॉलीवुड अपनी मूवीज ला रहा है। तो मेरे दोस्त मुझे तो नहीं लगता कि ये कितना चलेगी लेकिन हाँ मेरे दोस्त ऋतिक रोशन के फैंस लोग तो बिल्कुल ही इस मूवी को देखना चाहेंगे क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि ऋतिक रोशन की एक्टिंग और फाइटिंग कितने ज़बरदस्त है और डांसिंग को तो पूछिए ही मत। सो मेरे दोस्त एक्चुअली ये मूवी रिलीज होने वाली है 30 सितंबर 2022 में। जी हाँ मेरे दोस्त 30 सितंबर 2022 में ये ऋतिक रोशन की आने वाली ये जो मूवी है वो ज़बरदस्त होने वाली है। और अब तक की मतलब अब तो रिलीज सबसे पहले रिलीज यही मूवी होगी विक्रम बेदा, उसके बाद ही मूवीज आएंगी धूम फोर तो ऋतिक रोशन की होगी या नहीं होगी कोई डिसाइड क्लियर नहीं है, लेकिन क्रिस 4 आने वाली है, बहुत सारी मूवीज आने वाली है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखें तो कृपया जाकर उसको देख लीजिए। और मेरे दोस्त आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी फिल्मी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्मी अपडेट्स के साथ।